हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है मॉर्निंग का 6 o'clock, इतना ही टाइम यहाँ पे हो रहा होगा। और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आज स्कूल के लिए टिफ़िन बॉक्स के लिए छोले और पूड़ी। तो सिया, आज सैटरडे है मैं आपको बता दूं, तो सिया बोल रही थी कि मम्मी कुछ और बना के दो, कुछ और बना के दो। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि ना छोले थोड़े से बचे हुए थे, जैसे कि हम लोग ग्रॉसरी में आधा किलो जो है छोले मंगाते हैं, तो पूरे आधा किलो बहुत ही कम होता है कि पूरे बनते हैं, क्योंकि वो बहुत भीगने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़े से मैंने भिगाए थे, बनाए थे, बीच में आपको दिखाया था मैंने, लेकिन थोड़े से छोले ना रह गए थे और उनके साथ ना काले चने थोड़े से मिक्स हो गए थे मेरे से एक बार। तो फिर मैंने क्या करा, रात को वही मैंने भिगो दिए थे। और अब डायरेक्ट मैं उसे उबालूंगी नहीं, मेरा मतलब उबालूंगी लेकिन पहले नहीं उबाल रही हूँ मैं, बिल्कुल साथ साथ में ही बना रही हूँ इसका ग्रेवी करके, तब मैं बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ साथ में। तो और आज सैटरडे है, तो आज सिया बोल रही थी मम्मी हमारी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, तो वो अपने कुछ उसके टॉयज वगैरह है वो लेके गई है। मतलब पढ़ाई होगी लेकिन उनका खेलना वगैरह भी होगा। और पहले जब आशी थी ना, मतलब तो 5th क्लास तक इनके स्कूल में ये था कि जो सैटरडे है वो फंडे होता था, सैटरडे को कोई पढ़ाई नहीं होती थी और शुरू शुरू में तो बिल्कुल छुट्टी ही होती थी। लेकिन फिर सैटरडे को इनके स्कूल में हुआ कि सैटरडे स्कूल लगेगा लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अब पढ़ाई होती है सैटरडे को, लेकिन बहुत कम होती है। और इसके अलावा खेल वगैरह होते हैं इनके स्कूल में, तो यहाँ पर इसलिए मैं उसके लिए आज बना रही हूँ कि वो बोलती मम्मी कुछ अलग सा बनाओ। तो मैंने कहा चलो छोले और पूड़ी में बना देती हूँ। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया था, उसमें मैंने हींग, जीरा और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची ऐड कर दिए, साथ में बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा भून लिया उनको, फिर बारीक कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, और इसमें मैं वो नहीं कर रही हूँ जो छोले मसाले हैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि छोले मसाले ख़त्म हो रखे थे, इसलिए थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मैं इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा चॉपर था ना वो फिर से टूट गया है, पता नहीं उसके धागे में क्या प्रॉब्लम हुई, तो जिसकी वजह से ना सुबह मैं मिक्सी चलाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि नींद ख़राब होती है सबकी, फिर घूम आवाज आती है इसलिए। और चॉपर में बारीक हो जाते थे, हाथ से भी बारीक हो जाते हैं लेकिन चॉपर से थोड़ा अलग होती है बात। तो इस वजह से थोड़े से टमाटर और प्याज थोड़े से खड़े खड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये अभी जब इसमें सीटी लगेगी तो ये ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाला भून लिया था, छोले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, गर्म मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं ना ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, सूखे चने बना रही हूँ, सूखे छोले जो होते हैं वो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी इसलिए ऐड करा ताकि कुकर पर नीचे लग ना जाए, जल ना जाए इसलिए। और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें सोडा ऐड करा है, क्योंकि मुझे लगा कहीं ये पके ना, और जल्दी भी रहती है तो हम लोग जल्दी गैस भी बंद कर देते हैं, इसलिए मेरे को था कि सोडा डाल के थोड़ा सा ये जल्दी पक जाएंगे। तो उसको मैंने सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं फटाफट से अब पूड़ियाँ बना रही हूँ, तो छोले पूड़ी और कद्दू की सब्जी पूड़ी, इस तरह किसी किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आज मैंने सोचा चलो यही मैं दोनों बच्चों के लिए बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में भी ये दोनों यही खा कर गए थे फिर। तो यहाँ फटाफट से सारी की सारी पूड़ियाँ जो है मैं बना के साइड कर लूँगी, और उसके बाद मैं बच्चों को उठाऊँगी। तो बस छोले पूड़ी जो है वो बन चुके हैं और यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, तो अब इनके बाल बनाऊंगी मैं। और मेरे को जैसे ये लोग रेडी होते हैं कुछ भी है उसमें टाइम नहीं जाता है, मेरे को बाल बनाने में टाइम जाता है दोनों के, थोड़ा सा टाइम इस चीज़ में लग जाता है। कभी कभी मन करता है कि इनके बाल छोटे छोटे कर दूँ, लेकिन फिर देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा मन में होता है कि नहीं, इतने सालों से ये बाल मतलब करे हैं, मेहनत ही बोल लो या फिर मतलब इनके बाल इतनी मुश्किल से इतने लंबे हुए, तो मैं कटवाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं काटे हैं, कटवाए इनके बाल मैं थोड़ा थोड़ा घर पे ही ट्रिमिंग करती रहती हूँ उनके बालों की, ऐसा नहीं कि काटे ही नहीं है, लेकिन वो बढ़ जाते हैं दोबारा से, फिर कभी कभी बीच में कटिंग कर देते हैं। तो ये तो बोलते हैं मेरे को मम्मी पार्लर पे ले जाके कटिंग करवाओ, तो पार्लर में ये है कि थोड़ा सा
लेंथ कम हो ही जाती है क्योंकि वो एक्स्ट्रा हेयर जो है जाते जाते हैं इसलिए। तो कभी मैंने से बोला है कि कभी हम लोग कभी शादी शुदी में तो मैं हेयर कटिंग इनकी करवा दूंगी, लेकिन अभी घर पे रहते हैं और ज़्यादातर इनका स्कूल ही जाना होता है तो बहुत ज़रूरी नहीं है इतना हेयर कटिंग। तो जब भी ये कुछ 2-3 महीने बाद मैं इनकी थोड़ा सा ट्रिमिंग वगैरह बालों की कर देती हूँ, लेकिन मेरा शॉर्ट हेयर करने का इनका बिल्कुल मन नहीं करता। इनका तो मन होता है कि मम्मी काट दो बाल, लेकिन मेरा मन नहीं होता कि मैं इनके बाल काटूँ। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं लंबे बाल, क्योंकि मेरे खुद के बाल तो लंबे नहीं हुए हैं तो मेरे को इनको ही देख देख के होता है कि इनके बाल लंबे हो जाएं। तो यहाँ पे सिया रेडी हो गई है। हाय कर दो सिया। गुड मॉर्निंग तेज की। गुड मॉर्निंग। जाओ बैग लगा के आओ। और आज सिया बहुत हैप्पी है क्योंकि एक तो सैटरडे है, ऊपर से आज इनकी पढ़ाई कम होगी मुझे लग रहा है ना, इसलिए खुश है आज। तो बस ये दोनों के दोनों जो हैं अच्छे से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इनका टिफ़िन बॉक्स लगा रही हूँ और साथ में ही चाय बन रही है। तो ये दोनों सुबह चाय ही लेकर जाते हैं, चाहे पराठा खाएं चाहे कुछ भी खाएं, इनको चाय ही चाहिए होती है। तो मैं इनके लिए क्या करती हूँ, दूध ज़्यादा कर देती हूँ और पानी कम कर देती हूँ, थोड़ी सी चाय पत्ती मिक्स करके उबाल देती हूँ तो ताकि इन थोड़ा सा दूध भी चले जाए और इनको लगे कि हाँ चाय पी ली है। तो बस इनका टिफ़िन रेडी है और यहाँ पर छोले भी बन चुके हैं तो इनको ब्रेकफास्ट में भी मैं यही दे रही हूँ। सिया ने लेकिन आज बहुत कम खाया, जितना मैं सोच रही थी कि चलो ये खाएगी, पराठा तो पूरा खा लेती, लेकिन पूरी एक ही खा कर गई, इसका मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली कभी कभी होता है सुबह सुबह मन नहीं करता है ना, तो ये खा कर नहीं गई थी। तो जो एक पूरी इसकी बची थी मैंने इसके टिफिन बॉक्स में ही डाल दी थी कि चलो वहाँ पर शायद ये खा ले। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, इस तरीके के ये जो है सूखे सूखे से छोले बने थे और इनका टिफिन लगा दिया है। बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर मैं आपको अभी जो क्लिप दिखा रही हूँ ये बात की है। यहाँ पर मैंने जो है आटा गूंदा हुआ है मंडुए का, मतलब रागी का जो आटा होता है वो गूंदा हुआ है। यही हम लोग आजकल डेली ही हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो यही होता है। तो ये गूंदा हुआ है, थोड़ी देर में जो है मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर कैंडी की हालत देखो कितनी ख़राब हो रखी है। एक्चुअली बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी आने वाली है, तो ये क्या करती है जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना इसकी हालत ऐसे हो जाती है, ये ना पूरा इसकी बॉडी कांपने लग जाती है जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं इसे इतना बोल रही हूँ बैठ जा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बैठ रही है क्योंकि ये बाहर खिड़की से बाहर ये यही देख रही है कि बादल बोल रहे हैं, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा से गड़गड़ा रहे थे इस वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, पता नहीं क्यों ये डरते हैं डॉग्स, लेकिन ये कुछ ज़्यादा से ही डरती है मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आपने देखा इतना अच्छा मौसम हो गया था, पहले से बहुत तेज़ बारिश आई थी बहुत ही तेज़, और उसके बाद इतने सारे ओले गिरे थे, मतलब हमारा जो लॉन है पूरा वाइट हो गया था। और ये जो बारिश है आप देख रहे हो ना, ये बारिश मुझे लग रहा है पानी शायद कम था, ओले ज़्यादा से दिख रहे थे क्योंकि ये पूरा वाइट वाइट दिख रहा है और बाहर इतना अच्छा लग रहा था इनको देख के ना। कभी कभी ओले बहुत मोटे मोटे गिरते हैं ना, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे थे मोती के जैसे, और इतने अच्छे लग रहे थे लॉन में गिरे हुए थे ना, तो पूरा हरा जो है ना वो सफ़ेद हो गया था लॉन। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती है, कभी कभी देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर अभी दिन का टाइम हो गया है, अभी मौसम थोड़ा वैसे ही है, बारिश नहीं है लेकिन मौसम बादल वाला ही है। तो यहाँ पर अभी लंच की तैयारी करूँगी, मैंने दाल जो है बॉईल करने रखी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ डोसा इडली का बैटर बनाने की। मैंने बहुत टाइम से ना ये दाल मंगा रखी है पिछले 1-2 महीने से, लेकिन मैं बनाई नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरा ध्यान से उतर जाता है इसलिए। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि नहीं मैं इस बार डोसा इडली का बैटर बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं ना बासमती चावल, शरबती बासमती है ये, वही ऐड कर दिया, नहीं तो सोना मसूरी भी ऐड
ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 कटोरी लिए है चावल और आधी कटोरी मैंने लिया है साबुत उड़द की दाल बिना छिलके वाली। बिना छिलके वाली ही इसमें चलती है। और साथ में ही मैंने इसमें 1 चम्मच जो है मेथी दाना ऐड कर दिया है। इन दोनों को ही मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। मतलब चावल को तो इतना वॉश करना है कि जो उसका पानी वैसा आता है ना धुंधला सा वो ना आए, तो उतना लेकिन रगड़ रगड़ के नहीं, ऐसे हल्के हाथ से उसको वॉश करके और इसको भिगाने के लिए रख देना है। तो जैसे अभी ना 1 बज रहे थे और शाम के 6-7 बजे मैंने इसको पीस दिया था, तो भिगा के रख दूंगी मैं दोनों ही दाल और चावल को। यहाँ पर दाल जो है ना मैंने जानबूझ के मंगाई थी मोटी वाली साबुत उड़द की दाल मंगाई थी। अगर साबुत उड़द की नहीं तो मतलब जो टूटी वाली होती है ना वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे बोलते हैं कि डोसा या इडली का बैटर बनाने के लिए साबुत उड़द की दाल ही ठीक रहती है बिना छिलके वाली। तो बस यहाँ पर दाल तो मैंने भिगा के रख दी है, यहाँ पर अब मैं जो चावल है वो भी भिगा के रख दूंगी। एवरीवन, तो शाम का टाइम हो गया है और सुबह से अभी मैं अपना व्लॉग, मतलब व्लॉग तो सुबह से ही चल रहा है लेकिन कंटिन्यू मैं अभी कर रही हूँ। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, जो कि आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा। तो सुबह से मैंने आपके साथ 2-3 क्लिप्स ऐसे शेयर कर रही होंगी कि बारिश का मौसम हो रहा है और यहाँ पर इतनी बारिश हुई, इतने ओले गिरे, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और अभी ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी अच्छी हवा आ रही है, तो मेरे को यह था कि अभी इसी और छत में जाएंगे, लेकिन तब तक बारिश आने लग गई है, बहुत अच्छा हो रहा है। टाइम ना अभी हो रहे हैं 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए, इतना अच्छा मौसम हो गया। मतलब देहरादून की ना तभी बोलते हैं बात ही अलग है। मतलब यहाँ पर ना काफ़ी गर्म होने लग गया था, जो कि हमेशा नहीं हुआ, पिछले साल ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मई के टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि गर्मी हो जाती है, लेकिन ये जो अप्रैल रहता है ना ये काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, लेकिन अप्रैल में मई जैसी गर्मी लगने लगी थी। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि बारिश बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा था, बहुत बहुत खुशी हो रही है ऐसा मौसम देख के, क्योंकि एकदम से गर्मी पड़ जाए ना वो भी अच्छा ही लगता है। तो ये बहुत अच्छी, देखो बाहर देखो कैसे हवा चल रही है, देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो मम्मी बस कैंडी घुमाने जा रही थी, तब तक बारिश आ गई तो मम्मी रुक गई। कैंडी की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि ऐसा मौसम होता है ना वो बहुत डरती है। और अभी मैं जा रही हूँ, हम लोगों ने चाय चूँ भी थोड़ी देर पहले ही पी है, और अभी मैं जा रही हूँ जो मैंने इडली वो हमारा इडली और डोसे का जो बैटर बनाने के लिए चावल और दाल भिगोए थे ना वो हो गए होंगे, क्योंकि 4-5 घंटे बहुत होते हैं, उसको ओवरनाइट भी नहीं भिगोना आता है तो फिर वो अजीब सा हो जाता है बैटर, इसलिए। तो अभी मैंने 1 बजे भिगाया था, 6 बज गए, 5 घंटे हो गए, तो मैं उसको पीस दूंगी और फिर उसको मैं फर्मेंटेशन के लिए रख दूंगी रात भर। और अगर मौसम ठंडा है, लेकिन देखते हैं फिर भी, अगर वो हो गया फर्मेंट तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर थोड़ा देर और मैं उसको रख दूंगी। यही सब है, तो चलिए अभी किचन में चलते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आपसे बातें कर लेती हूँ और यहाँ पर आपको मौसम बाहर से दिखाती हूँ। मतलब मैं सुबह से शायद आपको मौसम ही दिखा रही होंगी, क्योंकि ब्लॉग इतना क्या मैंने करा नहीं है, लेकिन जब इतनी अच्छी चीज़ हो रही है तो दिखाएं भी है क्यों ना, है ना। तो चलिए उसके बाद मैं सिया को थोड़ा सा आज टेस्ट लेना है। यहाँ पे देखो बारिश होने लग गई और बारिश के साथ इतना कूड़ा भी आता है, चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना, यहाँ देखो इसकी बारिश ज़्यादा हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैमरा पे, ये ऐसे गिरने लग जाते हैं ना, पूरी छत हमारी गंदी हो जाती है। तो इस तरह से मौसम हो गया आज। ओ बारिश आ गई, पीछे जाओ पीछे जाओ, बारिश आ गई है। तो चलिए ये देखो इतना अच्छा मौसम हो गया ना हमारे घर का। आज हम लोग बनाएंगे भिंडी की सब्जी, तो मैंने इसको वॉश कर दिया था, वैसे तो इसको पहले वॉश करके रखो तो ठीक रहता है, लेकिन फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, थोड़ा सा ही सूख गई है तो इसे अभी थोड़ी देर में काटेंगे।
तो यहाँ पे ना मैं अभी जो भिंडी है वो कट करने लगी हूँ। वैसे तो मेरे को दाल और चावल पीसना था, लेकिन ना बाहर ऐसा मौसम है और लाइट चली गई थी यहाँ पर। वैसे बहुत कम जाती है, लेकिन अभी बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लग गया था तो लाइट चली गई थी, इसलिए दाल भी मैं नहीं पीस पाई थी। तो दाल को फिर मैंने 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पीसा था, तभी लाइट आई थी। तो यहाँ पर अभी मैं भिंडी कट कर रही हूँ, और भिंडी जब मैंने आधी कट कर दी थी ना, मैंने कुछ इसको जैसे बीच में से चीरा मारते हैं वैसे इसके कट कर दी थी। तो ऐसी सिया से बात करते करते मैंने उसको बोला, आज बोलती थी मम्मी भिंडी बना रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो वो मुझे बोलती हाँ मसाला भिंडी बनाना तू ही मैं खाऊंगी। तो जो भिंडी है ना वो मैंने आधी तो मैंने हाफ हाफ कर ही दी थी, और आधी ऐसी थी जो नहीं करी थी। तो मैंने मेरा पता नहीं, जब उसने ऐसे बोला तो मेरा मन भी हुआ कि चलो फिर भिंडी वैसे सिंपल तो रोज ही बनती है, आज थोड़ा सा अलग करके बना के देखते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा था अगर नहीं खाई ना तब देखना, क्योंकि मैं उसकी वजह से फिर मैंने बनाई है, नहीं तो इतना तामझाम मैं नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने जो भिंडी है हाफ कट कर दी थी, वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं, उसको चीरा मारते हैं हल्का सा, ऐसे हाफ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कट कर दी थी जैसे कि आपको बताया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं ऐसे ही बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं, आलू कट कट कर लिए बारीक, और साथ में ही 2 प्याज को मैंने जैसे उसके क्या बोलेंगे अलग अलग उसके पेटल्स निकाल दिए हैं प्याज के, वो मैंने ले लिए। यहाँ पर भिंडियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ कुछ तो ठीक काटी क्योंकि वो बाद में की बात की है, और कुछ कुछ आप देख रहे हो हाफ ही हो चुकी हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते हैं आज मसाला भिंडी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पैन में मैंने हल्का सा ऑयल लिया है, ऑयल अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है। इसमें जो भिंडी कट करी थी ना वो मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको ना थोड़ा सा ना भून लेंगे, मतलब कि भून नहीं बोलूँगी क्योंकि तेल में अगर इसे फ्राई करते तो फ्राई बोलती, हल्का सा ऑयल में मैं इसे भून रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी, थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करके इसको भून लिया है, और इसको ना मतलब ऐसे 70-80% तक पका लेना है बिना ढके हुए, क्योंकि अभी थोड़ा सा जब ये मसाले में पकेगी तो ये बिल्कुल ही कहीं गल ही ना जाए, इसलिए इसको 70-80% तक ही हम लोग मतलब भूनेंगे यहाँ पर। और जब ये भून जाएगा ना उसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड करके ना आलू भी फ्राई कर लिए थे, क्योंकि आलू फिर गलते नहीं तो मुंह में लगते, इसलिए मैंने उनको भी फ्राई कर लिया था। तो एक साइड वो मैं करती जा रही हूँ और एक साइड हम मसाला बना रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने कढ़ाई में, ऑयल मैं फिर बोलूँगी आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हो, फिर तो टेस्ट और अच्छा आएगा, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ, थोड़ा ही मैंने ऑयल लिया था। इसमें जीरा हींग और एक तेज पत्ता ऐड कर दिया था, और बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं, इसको हल्का सा भून लूँगी मैं। और यहाँ पर अभी हल्दी नमक नहीं सॉरी हल्दी गरम मसाला जीरा पाउडर और धनिया पाउडर मैंने ऐड करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐसा घोल बना लिया है, और जब प्याज हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इनको ताकि मसाले जले ना, और थोड़ा सा इससे ग्रेवी भी अच्छी बनती है। और यहाँ पर इससे पहले जो है ना प्याज डालने के बाद जो है थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन भूनना था जो कि मैं भूल गई थी, तो मैंने क्या करा अलग से ही बेसन को भून के बाद में इसमें ऐड कर दिया, लेकिन वो प्याज के बाद जो है बेसन को भूनना था, उसके बाद जो है ये मसाला डालना था, लेकिन कोई नहीं मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज मैंने ऐड कर दिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसको मैंने ढककर बहुत अच्छे से पका लिया है। यहाँ देखोगे टमाटर जो है अच्छे से हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है मैंने। और अब मैं इसमें क्या करूँगी ना, मैंने जो अलग से थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच बेसन जो भुना था ना वो मैं इसको यहाँ पे ऐड, नहीं यहाँ पर तो मुझे याद नहीं आया था, मुझे बाद में याद आया था वो, तो मैंने जब भिंडी डाल दी थी ना उसके बाद मैंने उसको ऐड करा, और नमक मेरे को कम लग रहा था तो नमक ऐड कर दिया था। यहाँ पर भिंडी आलू और जो प्याज थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। पानी ज़रूरत है और तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये लटपटी सी बनती है, अच्छी बनी थी। और सच्ची बताऊँ तो सिया ने इसको खाया था, मेरे को लगा था शायद ये ऐसी नखरे करेगी तो, लेकिन उसने खाया था तो मेरे को पता अच्छा भी लगा, चलो उसने बोला तो खा भी लिया। और यहाँ पर आप देख रहे हो बेसन मैं अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पर भूल चुकी थी जैसा कि आपको बताया था। इससे होगा क्या कि जो ग्रेवी है थोड़ा सा थिक रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि पानी एक साइड और भिंडी एक साइड, वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए 1 चम्मच इसमें ज़रूरत है। तो बस थोड़ा सा इसको पका लेंगे ढक के, और यहाँ पर हमारी मसाला भिंडी रेडी हो जाएगी। और सॉरी मैं आपको लास्ट में दिखा नहीं पाई है कैसी है क्योंकि मैं ध्यान से उतर गया खाना लगाने लगी थी इस वजह से, लेकिन भिंडी अच्छी थी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।